हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन और आज आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सी बम्पर सी जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आया हुआ हूँ। ये वैकेंसी जो है इट हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड CG व्यापम के तरफ से वैकेंसी आई हुई है ITI के ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए और इसका पूरा का पूरा डिटेल आपके साथ अभी इस वीडियो में मैं फुल लेंथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो टिल द एंड और सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए बढ़िया तरीके से मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CG व्यापम ने, एक तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद CG व्यापम की तरफ से वैकेंसी जो है वो आई हुई है और CG व्यापम ने यहाँ जो वैकेंसी निकाली हुई है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, वो निकाला हुआ है ITI के ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो के शुरुआत में मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला ये है कि एलिजिबल कौन कौन है। इसमें BBTEC डिप्लोमा, ये दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन खास बात और दो चीज़ें। पहली खास बात ये कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरी खास बात, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक्सपीरियंस बेसिस पर ये जॉब है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले इसीलिए मैंने बोला कि मेन इंपॉर्टेंट आप सभी के साथ शेयर कर दें। तो एक्सपीरियंस बेसिस पर यह जॉब है और इसीलिए डिग्री का कंप्लीशन जो है आपका इस फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इस फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर कंप्लीशन हो रहा है तो वो मान्य नहीं रहेगा, जैसा कि इस वैकेंसी के फुल लेंथ डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, जो भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो ऑब्वियसली डिग्री पहले ही कंप्लीशन जो होगा वो मैंडेटरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिटेल को पूरी तरह से। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँचेंगे vyapam.cgstate.gov.in। इस वेबसाइट पर आइएगा, आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ से जब आप इसके लिए अप्लाई करने जाएंगे तो प्रेस रिलीज भी आपको दिख जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिख जाएगा। इसमें जा करके देखिए, जैसे अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ से जा करके इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नीचे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। फुल नोटिफिकेशन जो है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ और सर्वर पर चल रहा है हैवी लोड, जिसकी वजह से इसको खुलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। तो बट ये ओपन हो जाएगा अभी तो जस्ट आज से ही, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे आप क्लिक कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे, इसको ओपन होने देते हैं और फिर यहाँ से डाउनलोड पेज पर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल मैंने नोटिफिकेशन तो डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फुल लेंथ ये ओपन हो रहा है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी है, विभागीय विज्ञापन जो है ये भी अवेलेबल है, व्यापम का परीक्षा निर्देश क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस भी आ चुका है इसको ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी का सिलेबस है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका सिलेबस है और ऐसे ही पूरा फुल लेंथ डिटेल है। और इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8 पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। फिलहाल मैं आपको इसके नोटिफिकेशन का फुल लेंथ डिटेल बता दूं जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है, इसे देखते हैं। देखिए आप जब वहाँ से डाउनलोड करेंगे विभागीय विज्ञापन को तो आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन की डिटेल की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़, सबसे बढ़िया सी चीज़ ये है कि 366 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने को जा रहा है यहाँ पर। और इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आज की तारीख यानी कि 8 मई 2023 से यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये फॉर्म फिलअप में कैटेगरी वाइज आप जो डिवीजन है वो भी देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कितनी वैकेंसीज है हर डिपार्टमेंट के लिए वो गिवन है। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, यहाँ की इसकी पोस्ट कितनी है, तो ये ऐसा आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। एक पोस्ट यहाँ पर है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, टोटल 51 पोस्ट यहाँ अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी में कितना डिवीजन है वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही सारे कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है एंड कुल मिला के ओवरऑल ग्रैंड टोटल जो है, टोटल 366 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ओपनिंग निकली हुई है यहाँ पर। हालांकि रिजर्वेशन का फैक्टर के साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस का पार्ट है वो भी यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। तो रिजर्वेशंस का कैटेगरी अलग वाइज अलग अलग भी आपको बता दिया है, बेस्ट थिंग है। और एक्सपीरियंस का पार्ट जो है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है डिग्री या डिप्लोमा की, तो यहाँ पर जैसे प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन का हम लोग देख रहे हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11th की एग्जामिनेशन जो पहले के कंडीशन पर जो हम करते थे उसके अकॉर्डिंग है, ये होना चाहिए। फिर जो भी संबंधित ट्रेड है उसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा जो है वो अगर अवेलेबल है तो वो मान्य रहेगा, ठीक है। इसके अलावा
एक्सपीरियंस की बात किया हुआ है, अगर आप डिग्री बेस्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने डिग्री किया हुआ है बी बीटेक डिग्री से के बेसिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आपसे कितने साल का डिप्लोमा मैंडेटरी रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पत्रोपाधि धारियों के लिए संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय या संकाय में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या इनके द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त होगा उस संबंधित क्षेत्र में उतने का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस के पॉइंट पर, इस चीज़ को जरूर से देखिएगा। एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पर और है कि अभ्यर्थी जो कि DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI या RVTI या ITOT से उत्तीर्ण हो, उनको एडिशनल 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इन आपके पास इनमें से किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट है, अवेलेबल है, तो आपको एडिशनल 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा सेलेक्शन में। बड़ा ही प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट और अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी दिया हुआ, अदर कैटेगरी में भी जो जो एग्जामिनेशन का पार्ट है या जो वैकेंसीज हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस और डिटेल्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि भाई एज लिमिट क्या है, कैटेगरी कौन सी है वर्किंग की। तो सेवा श्रेणी जो है वो लेवल 3 की श्रेणी है, यहाँ पर क्लास 3 की पोस्ट है ये। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 8 35,400 से लेके 1,12,400 की आपकी जो पे बैंड है वो रहेगी। लेकिन जब आपका शुरुआती सिलेक्शन होगा तो इनिशियल 3 ईयर्स के लिए, शुरुआती 3 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपके न्यूनतम सैलरी यानी जो मिनिमम जो पे बनता है उसका कितना परसेंट रहेगा। तो देखिए पहले साल आपको आपके जो मिनिमम जो पे है उसका 70% का सैलरी आपको मिलेगा। सेकेंड ईयर जो है उसमें आपको आपके सैलरी का 80%, न्यूनतम पे जो है उसका 80% सैलरी दिया जाएगा। और थर्ड ईयर में 90% के आसपास का सैलरी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो एडिशनल आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। उसके बाद जब आप फुल टाइम के लिए जब रिक्रूट हो जाते हैं, वैसे भी ये परमानेंट जॉब ही है, तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आप इसको इसमें परमानेंटली रिक्रूट होते हैं एज अ फुल टाइम कैंडिडेट। वहाँ पर से आपको फिर कंप्लीट जो भी फैसिलिटीज़ है और जो भी जो सैलरी का बैंड है वो उसी बैंड के अंदर आपको कंप्लीट आपके पे मैट्रिक्स के आधार पर आपको सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम द न्यूनतम सैलरी लेवल, है ना। वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बातें। ठीक है, तीसरा चीज, छत्तीसगढ़ का लोकल होना जरूरी है, यानी छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। पदों का आरक्षण और निर्धारित आयु सीमा जो है ये भी देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर के 40 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है इसमें अवेलेबिलिटी है, जो मूल स्थानीय निवासी हैं यहाँ के उनके लिए। देन इसके बाद और एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो महिलाओं के लिए जो अलग से जो आयु में छूट है उसके आधार पर भी देखिए दिया हुआ, स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही एक बढ़िया सा स्टेप जो है ये गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। तो ये एक और एडिशनल बेनिफिट है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा आपको अलग अलग प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय का प्रमाण पत्र हो गया, है ना, इन सब से रिलेटेड भी जो फॉर्मेट है, जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, चलिए ये देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली आपके मेरिट के बेसिस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, है ना। जो आपका इनिशियल जैसा आपने डिटेल भरा होगा उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट को शॉर्टलिस्ट करके, फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भर्ती करने के लिए पहले अवेलेबल किया जाएगा, एडमिट कार्ड्स भेजे जाएंगे, और उसके आधार पे जब आप वो रिटर्न एग्जामिनेशन जैसा क्वालिफाई करेंगे आपका DV होगा और DV के बाद आपका सिलेक्शन होता है फाइनली। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फिलअप करेंगे जो मैंने बिगिनिंग में आप लोगों को दिखाया हुआ था, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो www.vyapam.cgstate.gov.in, इस पर आप जा करके फुल डिटेल भी ले सकते हैं और कंप्लीटली इसका फॉर्म जो है उसको अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी क्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो आपको अलग से एडिशनली बाद में करानी होती है वो अवेलेबल रहती है यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद
और यहाँ से कुछ फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट है, अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसा होना चाहिए। तो आप जिस कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेंगे उससे आपको इस फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। तो ये तो था कंप्लीट वैकेंसी का डिटेल। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, अभी इसके सिलेबस से रिलेटेड भी आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल जो है बता दूंगा वेबसाइट पर कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है ना, और इसका सिलेबस का डिटेल क्या क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से यही इस चैनल पर ही मैं इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा। तो एक बढ़िया सी ओपनिंग आई हुई है, हालांकि इसमें एक कंस्ट्रेंट ये कर दिया कि सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही वो रखा हुआ है, सिर्फ अवेलेबल रखा हुआ है, तो एक कंस्ट्रेंट का पार्ट है। बट एटलीस्ट चलो काफ़ी समय के बाद व्यापम की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी आई हुई है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ गुड चांस। और आपकी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर अनलॉक लर्निंग जो है वो फेज चल रहा है, जिसमें कि आप यू विल बी एन एज क्लोजर टू एसिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है SSC जो स्टेट एग्जाम के सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ पर एक्सक्लूसिव बैच जो हमारा अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है 12th of May से, जिसमें कि आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस, एक्सेस टू द क्लास PDF इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एक्सेस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, इसके अलावा एक्सेस टू मल्टीपल ANJ एग्जामिनेशन। ये जो चल रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 20% का ऑफ ले सकते हैं बाय टाइपिंग द कोड GA1111, और ये ऑफर 13th of May तक वैलिड है, 13 मई तक ये ऑफर जो है वैलिड है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शोन सभी फैकल्टीज का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको मिल जाएगा इस बैच के भीतर, और 12 मई से क्लास शुरू हो जा रही है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कंटेंट आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट टेक्निकल बैच है, ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, और कोड जैसा कि मैंने आपको बताया GA1111, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है। और ऑफर के ड्यूरेशन में, ऑफर की वजह से जो आपका ओवरऑल कोर्स फी है उसमें क्या रिडक्शन आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टारगेट अक्टूबर 2023 रखते हैं तो 6 महीने की ड्यूरेशन का कोर्स आपको मिल जाएगा 7,245 रुपीज पर, जबकि टारगेट 2024 अगर आप रखते हैं तो 24 मंथ्स की ड्यूरेशन का ये कोर्स आपको मिलता है केवल 10,578 रुपीज पर। जस्ट यू हैव टू टाइप द कोड GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, एंड ये ऑफर सिर्फ 13th of May तक वैलिड है। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू 13th of May, तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन जो है आप शुरू कर लीजिए बढ़िया से। तो इस चैनल पर आगे भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर के मैं आऊँगा। तो ये थी आज की इस वैकेंसी की डिटेल, और वैकेंसी डिटेल्स के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं इस चैनल पर नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।